नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन, और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्लेयर आपको अपने जीएल टीम में रखना चाहिए, कौन सा प्लेयर आपको अपने स्मॉल लीग, कौन सा प्लेयर आपको हेड टू हेड अपने टीम में रखना चाहिए। उससे पहले आप मेरा कल का प्रेडिक्शन देख सकते हो, बहुत खतरनाक प्रेडिक्शन चला हुआ था और मैंने डी विलन को कैप्टन बना के रखा हुआ था। दोस्तों मैं टेलीग्राम पर दो से तीन टीम डालता हूँ, लेकिन मैं 7 से 10 टीम लगाता हूँ, 15 टीम लगाता हूँ, उसमें से मेरा 2 टीम जरूर रैंक करता है और आप मेरी लाइव प्रूफ देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा प्लेयर चलेगा, वही प्लेयर चलेगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप देखा जाए आर गुरुबाज को, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं विकेट कीपर में, जैसा कि आपको पता होगा कुशाल मेंडिदास और एम रहीम, आपको पता होगा कि उन्होंने 100-100 प्लस मारा हुआ था। अगर आर गुरुबाज 100 रन मार देते हैं तो आपका जो ड्रीम टीम होने वाला है तो आप ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर आप आर गुरुबाज को या ईशान किशन 50 रन मार दिया अगर आप छोड़ देते हैं, तब आपका ड्रीम इलेवन चेंजेड नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना है कि अगर आर के राहुल को देखा जाए तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, आर गुरुबाज अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ईशान किशन भी सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, तो इन तीनों को अपने टीम में सेलेक्ट करके जाना है अगर आप जीएल टीम खेलते हो तब। चाहे तो अगर 7 से 10 टीम बनाते हो तो आपको एक में ईशान किशन को ड्रॉप करके जा सकते हैं, क्योंकि इनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, अगर ये चलते हैं तब 50 से 100 रन मार सकते हैं, नहीं तो अगर ये आउट हो गए तो आपका टीम वहीं पर फ्लॉप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले चलिए मैं इनको अपने टीम में सेलेक्ट करके चलता हूं, क्योंकि पिछले मैच में आउट हो गए थे तो इस बार नहीं होने वाला है। अगर आपको बात की जाए विराट कोहली को, तो इनको 90% लोगों ने सेलेक्ट करके रखा हुआ है, मैं इस बार इनको अपने टीम से ड्रॉप करके चलने वाला हूं, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने 100 रन मारा हुआ था और मैं अपने एक ही टीम में ड्रॉप करके चलूंगा, अन्यथा मैं अदर टीम में उनको अपने कॉम्बिनेशन बना के चलूंगा। तो सबसे पहले आपको रोहित शर्मा, उसके बाद आई जार्दन को मैं अपनी टीम में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इधर मैं कोई अपने टीम में नहीं सेलेक्ट करता हूं, मैं विराट कोहली और शेरस अय्यर और अमरुद्दुल्ला, उसके बाद नीचे जाएंगे तो आपको आर शाह, यश शहीदी को मैंने पूरा बैटर को छोड़ दिया है जो अफगानिस्तान में होने वाला है, क्योंकि मैं ऑलराउंडर के साथ और बॉलर के साथ जाने वाला हूं, हो सकता है इस बार एक तरफा मैच हो जाए। तो सबसे पहले बॉलर ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच में हो गया था, ऑलराउंडर तक कोई प्लेयर नहीं चला अफगानिस्तान का, और बॉलर जाके सबसे अधिक विकेट लिए जो आपको यम रहीम ने लिया था। अब उसके बाद बात करता हूँ आपको ऑलराउंडर में, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप ऑलराउंडर में कौन सा प्लेयर चलते हैं। पिछले मैच में आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिया था और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर दिए थे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको रविंद्र जडेजा को अपने टीम में सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये स्पिनर है और इनका हर एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब हार्दिक पांड्या की बात किया जाए तो मैं इनको अपने टीम से ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि इनका पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और कल उस मैच में एक ही विकेट ले पाए थे और बैटर का चांस इनको नहीं मिला था। तो चलिए अब उसके बाद यम नमीन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अब यम नमी को मैं क्यों सेलेक्ट करता हूं आपको मैं बता देता हूं, अगर अफगानिस्तान का विकेट गिरता है तो आपको मिडल ऑर्डर ही आपको जो रन बना सकते हैं, अगर इंडिया बॉलिंग करती है तो अफगानिस्तान को आपको कम प्लेयर लेना चाहिए। तो चलिए मैं यम नमी को अपने टीम में सेलेक्ट करता हूं। अब सबसे ज़्यादा एबी बॉलिंग कराते, अगर 2 विकेट लिए, 1 विकेट ले लिया तो 30 रन मार दिया तो आपका ड्रीम टीम में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए मैं एम नमी को अपने टीम में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब उसके बाद आपको ओ ए ओमराई देखेंगे, तो पिछले मैच में इनको मैंने अपने टीम में सेलेक्ट करके जा रहा था, गया भी था, और आप देखेंगे तो इन्होंने 1 विकेट भी लिया था और 20-30 रन बराबर दिए थे। चलिए मैं इनको अब कोई अपने टीम में नहीं सेलेक्ट करने वाला हूं। अब उसके बाद जाना है बॉलर में, तो बॉलर में अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा बॉलर आपको लेना चाहिए, वो आपको पॉइंट दे और आप जीएल टीम में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं और आप 2 करोड़ वाली टीम जीत सकते हैं। अगर बात किया जाए जसप्रीत बुमराह, रशीद खान, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, एफ फारूकी, नवीन उलहक, नीचे जाएंगे तो अगर इधर आकर देखेंगे मुजीबुर रहमान, अब इससे ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला नहीं है। तो इस बार मैं सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ बॉलर के साथ जाने वाला हूँ, जसप्रीत बुमराह, रशीद खान, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज। अब जो आप मेरा प्लेइंग देखोगे कहोगे भाई कितना खतरनाक टीम बनाया है, अगर इधर से विकेट गिरता है तो सबसे पहले आपको पता होगा
कि इंडिया ओर से सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर मैंने ले रखा है, बैटर ले रखा है, और मैंने 7-4 का कम्बिनेशन बना के जा रहा हूँ। हर एक मैच में वैसे ही हो रहा है जिस तरह से एक तरफा मैच हो जा रहा है और विनिंग हो जा रहा है। तो मैं इस तरह से कम्बिनेशन अब बनाने वाला हूँ। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप CVC का चॉइस कैसे कर सकते हैं। अगर आप CVC का चॉइस कर लेते हैं तो 100% आप ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इस बार मैं आपको बता दूं कि अब मैं KL राहुल को कैप्टन बना के जाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस KL राहुल भी करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आपको यम नमी या आपको रविंद्र जडेजा के साथ अपने टीम में कम्बिनेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं रविंद्र जडेजा के साथ वाइस कैप्टन के साथ जाने वाला हूँ। अब उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जो ये आपका टीम बनेगा 100% आपका 49 रुपये वाली टीम बनेगा और आपका 2 करोड़ वाली जीतने वाली टीम बनेगा। अगर इसमें से कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नहीं खेलता है, तब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उससे भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर मैं आपको फ्री में टीम दूंगा और हर एक टीम मेरी रैंक करती है जैसा कि आपको पता होगा, और मैं ड्रीम इलेवन चेंजर बनता हूं। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।